साथियों, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता के आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। समृद्ध कर्नाटका के लिए, कर्नाटका को नंबर वन बनाने के लिए कर्नाटका का सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस जेडीएस यहां कभी निवेश नहीं बढ़ा सकती। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस जेडीएस यहां कभी नौजवानों के लिए नए अवसर नहीं बना सकती। बंधुगणे, कांग्रेस इतिहास चिंतने बे नावत कूड़ा ना मरीबार चिंतने कांग्रेस इतिहास आतंक आतंकवादी तुष्टीकरण कांग्रेस इतिहास देहलिया बाटला हाउस एनकाउंटर आगे उग्रवादी सत्त संदर्भली कांग्रेस नायक कण्णीर हाकिद ना नोड़े सर्जिकल स्ट्राइक संदर्भलू कूड़ा कांग्रेस देश सेन समर्थने बदलो अवमान कर्नाटकदू कूड़ा कांग्रेस आतंकवादी ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉಗ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ। ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ